सर मुंबई में 20 मई को चुनाव होने जा रहा है। जहां तक देखा जाए तो सारी पार्टियां युद्ध स्तर पर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। अभी प्रधानमंत्री जी का भी दो यहां पर सभा हो गई है मुंबई में, और विरोधी जो पार्टियां हैं उनका भी सभा हो गया है। लोगों ने विरोधी पक्ष इस तरह का एक माहौल बना के रखा है कि यदि मोदी जी इस बार आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो उनका एक ऐसा कहना है कि वे संविधान को बदल कर रख देंगे या संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। तो कहाँ तक पॉसिबल है या संभव है, या ऐसा बीजेपी करने के लिए कुछ सोच कर बैठी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, वो डर रहे हैं। वो क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं। वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी आ गए तो अगले बार, ये अंतिम चुनाव है, अगले बार चुनाव नहीं होगा। उन्हें इस बात का डर है कि आज विपक्ष 5% बचा है, विपक्ष ने काम नहीं किया, इसलिए विपक्ष को कोई घास नहीं डाल रहा है। तो अब विपक्ष सोच रहे हैं कि अगर इस बार मोदी जी आ गए और उन्होंने अच्छा काम कर दिया तो हम रहेंगे ही नहीं, इसलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये अंतिम चुनाव है। उन्हें इस बात का डर है। और सबसे अधिक बार मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मैं ये बात सुनता हूं। और एक हमारे नेता हैं महाराष्ट्र के, कहते हैं कि हम जमीन के नीचे गाड़ देंगे मोदी जी को, जमीन के नीचे गाड़ देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी अब वो चीज रहे ही नहीं कि आप कहीं उन्हें रख दीजिए और वो लोग उन्हें जान न जाए कि मोदी जी हैं कहाँ, जिन्होंने भारत को विश्व के मानचित्र पर प्रतिष्ठित कर दिया। आज अमेरिका, रूस भारत की सलाह लेने लगे हैं, चीन पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वी चुपचाप अपने खतौने में बैठ गए हैं। तो ऐसे में यह बच्चों जैसी टीम बनाकर इंडी गठबंधन, जिनमें लगभग 90% आज जमानत पर लोग घूम रहे हैं, ये लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे। अरे, जो जरूरी होगा संविधान में परिवर्तन, वो तो करना ही होगा। तुमने भी किया है, तुम्हारा शासन था तो तुमने भी किया है परिवर्तन। अगर जरूरी होगा, अगर भारत को अपनी सीमाओं का विस्तार करना है, भारत को प्रगत करना है, भारत को आगे बढ़ना है, तो परिवर्तन तो करना पड़ेगा। अब तुम्हारे जैसे 50 साल पुराने शिक्षा नीति को लेकर अगर हम चलते तो भारत का क्या प्रगति होती। आज नई शिक्षा नीति आई है, तो जब नीतियां बदलनी होती है, अच्छा करना होता है, तो परिवर्तन करने ही होते हैं। भारत की जनता को मैं इतना बताना चाहूंगा कि कभी भी इनके चक्कर में ना आए, इनकी बातों के चक्कर में ना आए। अगर आपने इनको किसी भी बहकावे में आकर जिता दिया तो आप समझिए कि आपके क्षेत्र का ये विकास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक इनका केंद्र के साथ संबंध नहीं होगा, अच्छे रिश्ते नहीं होंगे, तब तक ये कोई भी सुविधाएं आपको दे नहीं पाएंगे। इसलिए आज हर हिंदुस्तानी, हर युवा, हर धर्म, हर जात के लोग ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हमें जिताना है, जिससे कि वह सीधे केंद्र से संबंध बनाकर हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। आज इनके चक्कर में कोई नहीं आने वाला है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि अंतिम चरण का चुनाव बाकी है, इनके बहकावे में न आकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं, तभी आपका, आपके क्षेत्र का विकास अच्छा ढंग से हो सकेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और मोदी जी 400 पार जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनके कहने में कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठे लोग हैं।
जहां तक महाराष्ट्र की बात की जाए तो 48 सीटों में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम 46 सीटें जीत रहे हैं, उनका ऐसा दावा है। वो तो उनको राजनीति आती नहीं है, वो लकीर के फकीर हैं, उन्हें किसी ने कह दिया होगा कि ऐसा बोल दो तो उन्होंने बोल दिया, उनको मालूम है कि वो उल्टा बोल रहे हैं। उन्हें किसी ने बताया होगा, समझाया होगा कि भाजपा के 48 सीटों में से लगभग 48 सीट आने वाली है, तो वो समझे होंगे कि वो कांग्रेस के लिए बोल रहा है या उनके लिए बोल रहा है, ऐसा है। वो समझते नहीं है, उनको राजनीति की बहुत ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोग किसी ऐसे पार्टी को जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं हो, जिसके असली लोग वहां वही नहीं, उन्हें क्यों वोट देगा? उनका प्रतिनिधि जीत कर भी उनका कुछ नहीं कर पाएगा, तो कौन चाहेगा कि वो ऐसा एक एमपी बनाए जो उनका कोई भी फायदा ना कर सके। जहां तक बात की जाए तो विपक्ष यह भी कह रहा है कि देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इतनी रैलियां कर रहे हैं चुनाव में, इसके पहले के प्रधानमंत्री कभी इतनी रैलियां नहीं करते थे, तो क्या कुछ मोदी जी लोग को लेकर लोगों के मन में क्या भ्रम बना हुआ है कि जहां पर भाजपा के उम्मीदवार हारने की स्थिति में होते हैं वहां पर मोदी जी को उतारा जाता है? नहीं नहीं, कल मैं एक इंटरव्यू मोदी जी का देख रहा था, उनका कहना है कि मैं अपने 140 करोड़ लोगों के यहाँ बार बार इसलिए जाता हूँ कि मैं उनका दर्शन कर सकूँ, वह उनसे मिलने जाते हैं। तो अगर वह प्रधानमंत्री हैं, आज दुनिया के सबसे पॉपुलर आदमी हैं, वो हिंदुस्तान के नंबर वन चहेते हैं, वो लोग चाहते हैं, तो उनके पास उन्हें जाना ही चाहिए, इसलिए वो जाते हैं। और चुनाव है, चुनाव में अपनी बात रखने के लिए तो उन्हें जाना पड़ेगा। जब इतने झूठे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तो अपनी सच्चाई तो बतानी पड़ती है ना। खाली मोदी जी क्यों जा रहे हैं, हमारे अमित शाह जी भी जा रहे हैं, हमारे राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, हमारे देवेंद्र जी भी जा रहे हैं, हमारे आशीष सिलार भी जा रहे हैं, हमारे जितने भी नेता हैं सभी लोग अपनी पार्टी की सच्चाई, देश का विकास, 2047 का लक्ष्य, और अब जो 125 दिन कर दिया मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कि अगले आने वाले 125 मतलब 125 दिनों में एक ऐसा रोड मैप बना रहे हैं कि वो 125 दिन में भारत को पूरा विश्व देखेगा। जो भारत करेगा 125 दिन में वह एक मिसाल बनेगी, एक इतिहास बनेगा, और वो इतिहास बनने जा रहा है। जहां तक महाविकास अघाड़ी के नेता ऐसे कह रहे हैं कि 4 जून को मोदी जी को नागपुरम भेज देंगे, वहां जाके दीक्षा भवन में वो बैठेंगे और वहां पे दीक्षा लेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो प्रधानमंत्री आवास में भी वही काम करते हैं जो एक कटोरा दाल और सिर्फ 2 रोटी खाकर एक सेव पर पूरा दिन निकाल दे, उनके लिए ये झूठे लोग क्या बोलेंगे? जब 400 पार होगा 4 जून को, तो ये लोग कहाँ जाएंगे मुझे वो देखना है। ये कोई नहीं बता रहा है कि 4 जून को हमारा कहाँ बसेरा होगा। सब मिलेंगे, लिट्टी चोखा लगेगा किसी मैदान में, और सब एक दूसरे को पकड़कर बिलाप करेंगे, उसके लिए उन्हें तैयारी करनी चाहिए।